लाखों करोड़ों साल बाद आखिरकार वैज्ञानिक ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह POI 700D की खोज कर ली है। ये अभी वर्तमान में कहाँ मौजूद है, हमसे ये कितनी दूरी पर है, क्या इस ग्रह पर मानव जीवन संभव है, ये सारी जानकारियाँ आपको मेरे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप सिन्हा, जो कि आपके लिए ब्रह्मांड की एक और नई और दिलचस्प रोचक बातें लेकर आया हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। जी हाँ, मिल गई है दूसरी दुनिया, जो कि धरती के हूबहू है। गाइस, हमारी धरती 454 करोड़ साल पुरानी है। पहले जीवन की उत्पत्ति 377 करोड़ साल पहले हुई थी। इस समय हमारी धरती पर चारों तरफ खुशहाली थी। समुद्री जीव, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सारे के सारे फल फूल रहे थे। फिर लगभग 2 लाख साल पहले आधुनिक मानव का जन्म हुआ, यानी होमो सेपियंस अस्तित्व में आए, और उस दिन से आज तक हमने पृथ्वी के संसाधनों का बेतहाशा इस्तेमाल किया है। बढ़ती हमारी जनसंख्या, लाइलाज बीमारियां और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से आने वाले 100 सालों में पृथ्वी पर जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। पृथ्वी को बर्बाद करने के बाद अब इंसान पृथ्वी से दूर ऐसे ग्रहों की तलाश कर रहा है जहां पर इंसानी जीवन जी सके। कई दशकों से स्पेस साइंटिस्ट और वैज्ञानिक ऐसे ही खोजबीन में लगे पड़े हैं। ऐसे में अमेरिका की कंपनी ने एक हमारी धरती से करीबन 100 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसे ग्रह की खोज की है जो काफी हद तक हमारी धरती से मिलता जुलता है। इस ग्रह की सबसे अच्छी बात यह है कि यह पृथ्वी के आकार का है। इसकी खोज टेस्ट प्रोग्राम के द्वारा की गई है। 18 अप्रैल 2011 को नासा ने जानी मानी कंपनी एलोन मस्क की कंपनी SpaceX से फोल्कन 9 की मदद से टेस यानी टेंजेक्टिंग प्लैनेट सर्विस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम को 7 मार्च 2009 में लॉन्च किया गया। केपलर टेलीस्कोप के मुकाबले 400 गुना ज्यादा बड़ा एरिया में ब्रह्मांड पर नजर रखता है। इससे तारों के आसपास की ग्रह को अंतरिक्ष में देख पाना काफी आसान होता है। TOI 700D, इस ग्रह की खोज ट्रांजेक्शन एक्सप्लोनेट सर्वे सैटेलाइट ने की है। इसके द्वारा की गई यह पहली खोज है। यह ग्रह भी सूरज जैसे एक तारे TOI 700D के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। TOI 700 का वजन सूरज से आधा है और इसका तापमान भी सूरज से 40% कम है। वैज्ञानिकों ने बताया कि TOI 700 के चारों ओर कुल 3 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इनमें से 2 ग्रह तो बेहद ही दूर हैं। इनमें से एक ग्रह पथरीला है जबकि दूसरा गैसों से भरा पड़ा है, लेकिन TOI 700D ग्रह सूरज के इतना नजदीक है कि वहाँ जीवन संभव है। TOI 700D ग्रह पृथ्वी के मुकाबले 20% ज्यादा बड़ा है। इस ग्रह की कक्षा बेहद ही छोटी है। यह अपने सूर्य की परिक्रमा मात्र 37 दिनों में कर लेता है, इसलिए यहाँ एक साल मात्र 37 दिनों का ही होता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। हालांकि नासा के वैज्ञानिक फिलहाल TOI 700D ग्रह के वातावरण और सतह के तापमान और बनावट का मॉडल तैयार कर रहे हैं। टेस ने अपने 3 ग्रह TOI 700B, TOI 700C, TOI 700D की खोज की है। TOI 700D ग्रह के बारे में कुछ जानकारियाँ। यह ग्रह पृथ्वी से 20% अधिक बड़ा है और यह अपने तारे की परिक्रमा 37 दिनों में पूरी करता है। TOI 700D ग्रह को ऊर्जा की प्राप्ति तारा TOI 700 से होती है और इसको मिलने वाली ऊर्जा सूर्य द्वारा पृथ्वी को प्रदान की जाने वाली ऊर्जा के 86% के बराबर है। TOI 700D ग्रह तारा TOI 700 की परिक्रमा करता है। आइए जानते हैं M बौना तारा क्या है। इसे लाल बौना तारा भी कहा जाता है। यह एक छोटा तारा है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 8-50% तक होता है। TOI 700 तारे की परिक्रमा करने वाले 2 अन्य ग्रह TOI 700B और TOI 700C है। TOI 700B जो लगभग पृथ्वी के आकार का है, इसकी सतह चट्टानी संरचना से निर्मित होने का अनुमान है और यह एक परिक्रमा 10 दिनों में पूरी करता है। TOI 700C ग्रह TOI 700B ग्रह और TOI 700D ग्रह के मध्य में स्थित है। यह पृथ्वी से 2.6 गुना बड़ा है। इस ग्रह पर गैस सबसे ज्यादा मिलेंगे और अपनी यह परिक्रमा 16 दिनों में पूरी करता है। TOI 700D सबसे बाहरी ग्रह है। दोस्तों, अब इन ग्रहों पर जो कुछ भी होगा वो हमारी पृथ्वी से पूरी तरह से अलग दिखने वाला होगा, लेकिन ठहरिए,
इस ग्रह पर जाना शायद आने वाले 100 सालों में भी संभव ना हो सके, क्योंकि ये हमसे 100 लाइट ईयर यानी 100 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। अभी तक के सबसे ज्यादा स्पीड वाले पार्कर सोलर प्रॉप से यहाँ तक पहुँचने में 160,000 साल लगेंगे। अभी से 100-200 साल बाद अगर हम वाट ड्राइव बनाने में सक्षम हो गए और लाइट के लगभग 90% स्पीड से चल सके, तब भी यहाँ तक पहुँचने में मनुष्य को 110 साल का लंबा सफर तय करना होगा, जो कि एक मनुष्य के जीवन काल से काफी ज्यादा होता है। तो दोस्तों, अभी वर्तमान में इस ग्रह को भूल ही जाना बेहतर होगा। तो गाइस, आपको हमारी ये पोस्ट कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।